सो व्यूअर्स, अगली सुबह हो चुकी है, बट सीन कुछ बैड है। और वो इस तरह के बारिश हो रही है और ये भी रुकने का चांस भी नहीं है, जिस तरह का बादलों का माहौल है। तो ये बारिश का सीन है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सामने जो पहाड़ था बिल्कुल छुप गया है ऑलमोस्ट बादलों में, तो सीन काफ़ी बैड है बारिश का। बारिश अभी भी हो रही है बट मैं अब निकल आया हूँ। खैर, अब सारा दिन हॉस्टल में तो बैठ नहीं सकता, तो भी मैं ये टर्मिनल वाला स्टेशन है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कल मैं देख रहा था, उन्हीं में से फिर अब कुछ कर लेता हूँ। सो फाइनली मैंने ये केबल कार ली है, ये बेसिकली मैलेशियन जाएगी और ये 20 मिनट की एक साइड की राइड होगी। हम क्योंकि अब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो वही जो बारिश है अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। तो अब ये शायद वीडियो में आपको नजर आ भी रहा हो, मौसम ने आज दगा दे दिया। सीरियसली आज का पूरा दिन जो है वो बारिश ही है, अदरवाइज मैंने दो तीन एक्टिविटीज कर ली थी। शिद्दत काफी है, पड़ भी रही है अभी और सर्दी भी काफी है, इसलिए आपको यहाँ पे अब हर तरफ वाइट ही वाइट नजर आएगा। फुल बर्फ पड़ रही है। ओ वाओ, सही सेटअप बनाया है इन्होंने और बड़ा अंदर कोजी सा माहौल है, बाहर जैसी भी ठंड पड़ रही हो। तो ये आई गेस अपना, आपने को पिकनिक विकनिक करनी है यहाँ पे, को गैदरिंग करनी है, खाना वाना, क्योंकि ये यहाँ पे माइक्रोवेव भी पड़े हुए हैं और बैठने की भी जगह है, आप खा पी सकते हैं और ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये व्यू आता है। वो मैंने उनसे पूछा है तो कह रहे रेस्टोरेंट ओपन है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, जाके देखते हैं कोई अगर सिलसिला है बैठने का। तो ये है रेस्टोरेंट, और ये व्यू है, यानी कि आलू अंडे अगर आप इसको आम अल्फाज में बोलें तो। आप 10 मिनट में आप व्हाइट से ग्रीन और ग्रीन से व्हाइट में चले जाते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल व्यूअर्स, और चेकआउट मैंने कर लिया है ग्रिंडलवाल्ड से और मैं अपनी अगली मंजिल की तरफ अब रवाना हूँ। यहाँ से मैं स्टेशन जा रहा हूँ, जो पास ही स्टेशन है टर्मिनल, वहाँ से मैं लूँगा ट्रेन इंटरलाकन की और इंटरलाकन से वेनिस की बस। तो आगे बड़ा एक्साइटिंग जो है वो जर्नी वो भी होने वाली है, और आपको वेनिस और उसके सराउंडिंग में अट्रैक्शन दिखाएंगे और क्या क्या एक्टिविटी मैं कर पाता हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगा, और मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। लेकिन पहुंच चुका हूं मैं, और अब मैं वेट कर रहा हूं अपनी बस का, उसमें बस अभी 20-25 मिनट हैं। तो ये वाली जो बस है, फ्लिक्स बस जो है ये जाएगी, और यहां पे मैं खड़ा हूं, और ये है इंटरलाकन का स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है और साथ ही बस स्टेशन भी है। इसमें मैं बैठ गया, अब ये तकरीबन 7:30 बजे वेनिस पहुंचेगी, एक आध बीच में स्टॉप भी होगा।
होपफुली अच्छा गुजरेगा सफ़र। बस तो अच्छी है, कंफर्टेबल है, और इसी कंपनी की मैं पहले बस पे सफ़र कर चुका हूँ, जब मैं पेरिस से ब्रूज गया था वो भी फ्लिक्स बस थी, तो अच्छा रहा था सफ़र। ये भी उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। सो लेट्स गो। तो जी वेनिस मैं पहुंच चुका हूं। अभी बस से उतर के तो मैंने अभी खाना वाना खाया, सामने मुझे एक देसी रेस्टोरेंट मिल गया था तो वहां मैंने खाना खा लिया। कौन इतना तरतुद करके कोई और ढूंढे, तो अच्छा था खाना तो वो खा लिया है। अब मैं बस गाड़ी लेके तो अपने होटल की तरफ निकलूँगा। तकरीबन 13-14 मिनट की ड्राइव है, और बसों पर खज्जल खुआरी इस टाइम करने से बेहतर है, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं रात के, तो बेहतर है कि मैं गाड़ी पकड़ के निकल जाऊँ, क्योंकि सारा दिन बस में गुजरा है, तो जाके अब थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं अब निकलता हूँ होटल, और फिर सुबह से इटली का जो है वो ट्रिप प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब सुबह।